लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का 167वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद विभाग ने किया अच्छा काम। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 37,73,00,000 से अधिक लोगों को लगे कोविड रोधी टीके। बीते 24 घंटों में 39,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 4.5 लाख के करीब। देश भर में कोविड से रिकवरी का आंकड़ा 3 करोड़ के पार। रिकवरी की दर बढ़कर 97.22% पहुंची। जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा। राज्य में शिक्षण संस्थान अभी रहेंगे बंद। पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज से शुरू। 20 जुलाई को होगा यात्रा का समापन। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के बिना हो रहा यात्रा का संचालन। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियां। क्यूबा में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन। हवाना से सेंटियागो तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के फ्लोरिडा में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक। 31 लोग लापता। राहत कार्य जारी। अब खबरें खेल जगत से। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता विंबलडन 2021 का खिताब। इटली के मारियो बेरेटिनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कल 13 जुलाई को करेंगे बातचीत।